नमस्ते सदावत्सल मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। लखनऊ में पीटीसी इंडस्ट्रीज और एचएल एक्सरसाइज डिवीजन ने एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत कंपोनेंट्स, स्पेयर, सब असेंबली और विमान और हेलीज के एलआरयू के स्वदेशीकरण के लिए सहयोग किया जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को 2024 के अंत तक फुल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिल जाएगा। विक्रांत पहले ही अपनी अनिवार्य गारंटी फिट के लिए कोचिन शिपयार्ड में था जो कमिश्निंग और ट्रायल के बाद प्रक्रिया में है। लेह में तैनात किया गया है आकाश सैम सिस्टम को। भारतीय सेना ने ऑटोनॉमस रक्षा अंतरिक्ष इकोसिस्टम के तंत्र के विकास के लिए $3 बिलियन आवंटित किए हैं, जिसमें कि मल्टी सेंसर ISR कॉन्स्टेलेशन, नैनो सैटेलाइट्स, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सेंसर, सैटेलाइट एंटीना एरिस, रीयूजेबल रॉकेट और एडवांस प्रोपल्शन शामिल है। भारतीय वायुसेना ने लाइट वेट मैन पोर्टेबल आधुनिक कम्युनिकेशन सेट की खरीद के लिए मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिजाइन रेडियो टेक्नोलॉजी आधारित सेट भारतीय वायुसेना के संचार नेटवर्क को बढ़ावा देंगे। पाकिस्तानी सेना और मोहसिन दावर के पश्तून समर्थकों के बीच फायरिंग, जिसमें कि 2 मोहसिन समर्थकों की मौत हुई और 3 पाकिस्तान के सैनिक घायल हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक एमओयू साइन किया है स्पेस सेक्टर में साथ में काम करने को लेकर। चाइना अब अपने हाई एनर्जी लेजर बेस हथियार को टाइप 57 वॉरशिप में इंटीग्रेट कर रहा है। अब एचएएल के जो एम्प्लॉयज हैं वो मालदीव जाएंगे और वहाँ जो मिलिट्री पर्सन है भारत के उनकी जगह लेंगे और यहाँ वो 2 ध्रुव और डोनियर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करेंगे। भारतीय फर्म गैलेक्सी आई ने विश्व का पहला मल्टी सेंसर सैटेलाइट लॉन्च किया है जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए है। इसका नाम दृष्टि है जो कि मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग सेंसर और सिंथेटिक अपर्चर रडार से फ्यूज करता है। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ दोस्तों, भारतीय सेना ने उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निगरानी के लिए हेक्साकॉप्टर टैक्टिकल रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट के सफल पेटेंट के साथ उच्च ऊंचाई पर निगरानी रखने में अपनी महत्वपूर्ण क्षमता बढ़ाई है। आपको मैं बता दूं कि इसे आर्मी डिजाइन ग्रुप के द्वारा विकसित किया गया है जो कि युद्ध क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने में क्रांति लाएगा और दुनिया के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में ये वास्तविक समय की खुफिया जानकारी के साथ कमांडरों को सशक्त बनाएगा। इस हेक्साकॉप्टर को कठोर परिस्थितियों के लिए डिजाइन किया गया है और इस हेक्साकॉप्टर की कई सारी विशेषताएं, बता दें कि इसे 5500 मीटर ऊपर से लॉन्च किया जा सकता है और ये ड्रोन हिमालय की पतली हवा में भी प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। साथ ही पर्वतीय युद्ध की कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए निर्मित ये हेक्साकॉप्टर अत्यधिक तापमान, तेज हवाओं और कठोर मौसम के प्रति भी प्रतिरोधी है। ये रियल टाइम इंटेलिजेंस करेगा जिसमें कि लाइव वीडियो की जानकारी ये पहुंचा सकता है। इसे साफ तौर पर पता चलता है कि भारतीय सेना का जो आर्मी डिजाइन ग्रुप है वो काफी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को विकसित कर रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि भारतीय सेना की जरूरतें क्या है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। DRDO अब रुद्रम 3 मिसाइल का एक ग्राउंड अटैक वेरिएंट तैयार कर रहा है। हाल ही में खबर आई है कि पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट एंड थर्मोबैरिक वॉरहेड रुद्रम 3 का जो है वो पूरा हो चुका है और ये हाइपरसोनिक मैक 5 क्षमता वाली एयर लॉन्च क्विजिक बैलिस्टिक वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 550 किलोमीटर है। बता दें कि DRDO SU-30 फाइटर जेट्स को उस हिसाब से अपग्रेड कर रहा है ताकि इससे इनकी फायरिंग की जा सके। बता दें कि इसके अलावा जो दूसरी यानी कि सेकंड एंटी रेडिएशन वेरिएंट है रुद्रम 3 का वो अभी तैयार हो रही है जो कि दुश्मनों के संचार स्टेशन, बंकर्स और सर्विलांस रडार सिस्टम को खत्म कर सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारतीय सेना अब अपने 1450 T-90 मेन बैटल टैंक्स की फ्लीट को अपग्रेड कर रही है जिसमें कि क्रिस आर्मर प्रोटेक्शन भी होगा और इसकी फायर पावर भी काफी बड़ी होगी। इसके अलावा भारतीय सेना DRDO के द्वारा बनाए गए डाट्रन 1500 हॉर्स पावर इंजन को भी इसमें लगाएगी जो कि फ्यूचरिस्टिक मेन बैटल टैंक्स के लिए टेस्ट किए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारतीय फर्म करमान ड्रोन्स ने एक तेथर्ड एरियल रोबोट तैयार किया है जिसका नाम उन्होंने टार रखा है। बता दें कि ये 10 मिनट से कम में तैनात किया जा सकता है और इसका इंड्योरेंस टाइम करीबन 40 घंटे का है। ये 1.5 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। साथ ही इसके कुछ फीचर्स भी हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग क्षमता और ये जो ड्रोन है ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर से भी लैस है जो कि निर्बाध रूप से दिन और रात में सर्विलांस कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारतीय सेना DRDO के द्वारा जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम है उसके द्वारा बनाए गए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे खुश नहीं है। भारतीय सेना अब इसके लिए कुछ विकल्पों की तलाश कर रही है जिसमें कि इन हाउस एक्सपर्टीज तैयार की जा सके और साथ ही इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट किया जा सके। ये फैसला भारतीय सेना ने तब लिया है जब हाल ही में 2 महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट्स थे वो स्क्रैप हो गए क्योंकि इनके जो नतीजे थे वो सही नहीं आ पाए, जिस वजह से ये जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड स्कीम है उस पर भारतीय सेना ने सवाल उठाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, यूक्रेन में एक बार फिर से भारत निर्मित गोले यानी कि
जो शेल्स है वो देखे गए। लेकिन इस बार एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें कि कैसर सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम से इन्हें फायर किया गया है। सवाल ये उठता है कि भारत तो मना कर चुका है कि हमने यूक्रेन को कोई भी गोला बारूद सप्लाई नहीं किया है। ये जो गोले हैं दोस्तों वो 155 mm HEERFBBB हैं, जो कि म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा निर्मित है और ये अपनी लॉन्ग रेंज और सटीकता के लिए जाने जाते हैं और यूक्रेन की सेना ने इनकी क्वालिटी की भी काफी तारीफ की है। जैसे कि मैंने कहा कि भारत सरकार इस पूरे मामले से किनारा बनाए हुए है क्योंकि ये जो गोले बारूद है ये किसी तीसरे पक्ष के द्वारा यूक्रेन को सप्लाई किए गए हैं। भारत के आधिकारिक रुख होने के बावजूद भी यूक्रेन में भारत निर्मित गोले की मौजूदगी एक टेंशन बढ़ाने वाला विषय जरूर हो सकता है जो कि भारत की तटस्थता को चुनौती देता है। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि हथियारों की अप्रत्यक्ष आपूर्ति भी देश की स्थिति को कमजोर करती है, इसके आर्थिक और राजनीतिक परिणाम भी हो सकते हैं। यहाँ पर दो चीजें सामने आ रही है, एक तो भारत की इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी बात यहाँ पर यह है कि भारत निर्मित जो आर्टिलरी शेल्स हैं उनकी तारीफ भी की जा रही है और यूक्रेन में इनका इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों भारत डायरेक्टली यूक्रेन को कोई चीज़ सप्लाई कर भी नहीं सकता, ना हमारा किसी के प्रति कोई पक्ष है। कोई तीसरा देश अगर ये काम कर रहा है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये बात समझने वाली बहुत जरूरी हो जाती है इंटरनेशनल लेवल पर भी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना ने पोर्ट ब्लेयर की सुरक्षा व्यवस्था को एडवांस सर्विलांस सिस्टम के जरिए मजबूत कर दिया है। बता दें कि अंडमान और निकोबार कमांड में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार के द्वारा इंटीग्रेटेड अंडरवाटर हार्बर डिफेंस एंड सर्विलांस सिस्टम लॉन्च किया गया है जो कि पोर्ट ब्लेयर की सुरक्षा को मजबूत करेगा। ये उन्नत प्रणाली बंदरगाह की रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देती है जिससे कि पानी के नीचे और सतह दोनों के खतरों का पता लगाने और पहचानने की क्षमता बढ़ जाएगी। बता दें कि ये एक अत्याधुनिक मल्टी सेंसर प्रणाली है जो पोर्ट ब्लेयर के आसपास के समुद्री वातावरण की एक व्यापक तस्वीर बनाने के लिए रडार, सोनार उपकरण और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स के नेटवर्क का इस्तेमाल करती है। ये भारतीय नौसेना की पानी के भीतर खतरों का पता लगाने की क्षमता बढ़ाएगा। इसके अलावा भारतीय नौसेना की निगरानी बढ़ेगी, सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ेगी और बेहतर तरीके से खतरे का पता भी लगा पाएगी। दोस्तों भारत सरकार ने चाइना के साथ लगते LAC के काफी पास यानी कि लद्दाख के नुब्रा इलाके में थोइस एयरबेस में अब एक सिविलियन टर्मिनल भवन बनाना शुरू कर दिया है क्योंकि आप सब जानते हैं कि 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं भारत और चीन की सेना आमने सामने है। आपको बता दें कि थोइस एक सैन्य एयरबेस है और इसके रनवे का इस्तेमाल हमारी सशस्त्र बलों के द्वारा किया जाता है, लेकिन अब उड़ान योजना के तहत कुछ नागरिक उड़ानें भी अब यहां पर होने लगी हैं। भारत सरकार अब थोइस के लिए और ज्यादा यात्री उड़ानों की योजना भी तैयार कर रही है। इस तरह दोस्तों लद्दाख में एक दूसरा नागरिक हवाई अड्डा तैयार हो जाएगा और ये एक बड़ा संदेश होगा चाइना के लिए। इस पूरे प्रोजेक्ट की जो लागत है वो करीबन 130 करोड़ रुपए के आसपास आएगी। कहा यह जा रहा है कि थोइस में 5,300 वर्ग मीटर क्षेत्र के साथ एक केंद्रीय यानी कि सेंट्रलाइज वातानुकूलित घरेलू यात्री टर्मिनल भवन भी बनेंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि ताइवान और चाइना को लेकर आ रही है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि चाइना जासूसी के लिए गुब्बारों का इस्तेमाल करता है और अब तो उसने सामने आकर यानी कि खुलकर कम से कम सैकड़ों गुब्बारे ताइवान के आसपास तैनात कर दिए। कहा जा रहा है कि ताइवान के आसपास के इलाके में करीबन ऐसे 8 गुब्बारे देखे गए। हालांकि पहली बार ये गुब्बारे यहाँ पर नहीं देखे गए, इससे पहले भी पिछले साल यहाँ पर चाइना ने अपने इन सर्विलांस वाले गुब्बारों को तैनात किया था। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों रशिया ने भारत की काफी तारीफ की है और उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था अगले 3 साल के अंदर $5 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। रशिया की तरफ से कहा गया है कि रशिया और भारत के दशकों से ऐतिहासिक संबंध है और दोनों देशों की एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी भी है। रशिया की तरफ से कहा गया है कि रशिया भारत को सैन्य हार्डवेयर्स का एक प्रमुख आपूर्ति करता है और दोनों ही देश संयुक्त सैन्य अभ्यास से लेकर उन्नत सैन्य प्लेटफॉर्म्स को भी साझा तौर पर विकसित कर रहे हैं और कईयों के लिए तो प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भी हुआ है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।